हेलो एवरीवन, वेलकम टू शिक्षा। लास्ट क्लास में हमने पीसीएस 2014 के क्वेश्चन डिस्कस किए थे। आज की क्लास में हम पीसीएस के जो एग्ज़ाम आया था 2015 में, उसके जो इम्पोर्टेंट जनरल साइंस के क्वेश्चंस थे उनको डिस्कस करेंगे। और जैसे कि मैं हर क्लास में बोलती हूँ, क्वेश्चन करने के बाद वीडियो पॉज करके उसका आंसर खुद से ज़रूर ट्राई कीजिए, ताकि आपको पता चले कि आपकी प्रिपरेशन कैसी चल रही है। अगर आपको कोई भी डाउट है, कोई भी अगर आपकी क्वेरी है, तो प्लीज़ उसे कमेंट बॉक्स में ज़रूर शेयर कीजिए। तो लेट्स स्टार्ट। फर्स्ट क्वेश्चन इज, इन हीमोग्लोबिन आयरन शोज विच वन ऑफ द फॉलोइंग ऑक्सीडेशन स्टेट्स। हीमोग्लोबिन में जो आयरन प्रेजेंट होता है, वो इनमें से कौन सी ऑक्सीडेशन स्टेट्स को शो करता है। ऑक्सीडेशन बेसिकली क्या था? एडिशन ऑफ ऑक्सीजन। किसी भी सब्सटेंस में अगर ऑक्सीजन जो है वो ऐड हो रही है, तो उस स्टेट को बोलते हैं ऑक्सीडेशन स्टेट। तो आयरन इनमें से कौन सी ऑक्सीडेशन स्टेट जो है वो शो करता है? टू पॉजिटिव, थ्री पॉजिटिव, वन पॉजिटिव और फोर पॉजिटिव? द आंसर इज इट्स ए, टू पॉजिटिव। आयरन जो होता है वो Fe2 आयन की फॉर्म में एग्जिस्ट करता है, प्रेजेंट होता है हीमोग्लोबिन में। अगर वो +3 की फॉर्म में एग्जिस्ट करे, यानी कि Fe3 आयन की फॉर्म में एग्जिस्ट करे, तो वो ऑक्सीजन के साथ कोऑर्डिनेट नहीं कर सकता है। ठीक है, ऑक्सीजन एटम के साथ वो कोऑर्डिनेट नहीं होगा, जिसकी वजह से हमारी बॉडी में जो आयरन की रिक्वायरमेंट है वो फुलफिल नहीं होगी। इसलिए जो आयरन आयरन है वो Fe2 आयन की फॉर्म में एग्जिस्ट करता है। तो इसका आंसर बनेगा टू पॉजिटिव। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, आइसोटॉप्स आर एटम्स ऑफ सेम एलिमेंट विद डिफरेंट नंबर ऑफ। आइसोटॉप्स जो होते हैं वो एटम्स होते हैं सेम एलिमेंट के, लेकिन उनमें क्या चीज़ डिफरेंट होता है? प्रोटॉन्स, इलेक्ट्रॉन्स, न्यूट्रॉन्स और उनकी पोजीशंस। द आंसर इज इट्स सी, न्यूट्रॉन्स। उनमें जो न्यूट्रॉन्स होते हैं वो डिफरेंट होते हैं आइसोटॉप्स में, इनमें जो प्रोटॉन्स होते हैं वो सेम होते हैं। ठीक है, यानी कि इनका एटॉमिक नंबर तो सेम होता है, प्रोटॉन्स इज इक्वल्स टू एटॉमिक नंबर। ठीक है, लेकिन उनका जो मास नंबर होता है दैट इज डिफरेंट, मास नंबर इज डिफरेंट। उनको क्या बोलते हैं? आइसोटॉप्स। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, क्लींजिंग एक्शन ऑफ सोप अकर्स बिकॉज। ठीक है, सोप जो है वो क्लींजिंग के लिए, साफ करने के लिए, ऑयल, ग्रीस, डर्ट, कुछ भी जो अनवांटेड पार्टिकल्स हैं उनको साफ करने के लिए सोप यूज किया जाता है। तो सोप का कौन सा क्लींजिंग एक्शन की वजह से ये पॉसिबल हो पाता है? कि फर्स्ट है कि ऑयल और ग्रीस जो है उसके हाइड्रोफोबिक सेंटर में एब्जॉर्ब होके मिसल्स की फॉर्म में बाहर निकल जाते हैं, या हाइड्रोफिलिक सेंटर्स में एब्जॉर्ब होके बाहर निकल जाते हैं, या दोनों हाइड्रोफिलिक और हाइड्रोफोबिक सेंटर्स में एब्जॉर्ब होके वॉश अवे हो जाते हैं, या जो क्लींजिंग एक्शन है वो मिसल से रिलेटेड ही नहीं है। ठीक है, इसका आंसर क्या आएगा? आंसर इज ए, जो ऑयल और ग्रीस होते हैं वो हाइड्रोफोबिक सेंटर्स होते हैं सोप के, उसके साथ एब्जॉर्ब होके बाहर निकल जाते हैं। जैसे कि यहाँ पे डायग्राम है, जो हाइड्रोफिलिक हेड होता है, ठीक है, जो हेड पार्ट होता है ये वाटर में एब्जॉर्ब हो जाता है। ठीक है, लेकिन जो हाइड्रोफोबिक टेल होती है इसकी, दिस इज द टेल, ये जो होता है ये वाटर को रिपेल करता है। ठीक है, लेकिन ये किसको अट्रैक्ट करता है? ये ऑयल एंड ग्रीस को अट्रैक्ट करता है। ठीक है, तो ये ऑयल और ग्रीस के पास ऐसे एक सर्कल बना लेता है जिसे बोलते हैं मिसल, और ऑयल और डर्ट को एब्जॉर्ब कर लेता है, और जब उस पर ब्रश मारा जाता है तो उस ब्रश के साथ वो वॉश अवे हो जाता है। ठीक है, तो इसका जो हाइड्रोफोबिक टेल जो है वो अट्रैक्ट करती है ऑयल एंड ग्रीस को, और मिसल्स के फॉर्म में वो वहां से वॉश हो जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, द ह्यूमन द ऑर्गन ऑफ ह्यूमन बॉडी विच कलेक्ट कार्बोहाइड्रेट्स इन द फॉर्म ऑफ ग्लाइकोजन इज। ठीक है, ह्यूमन बॉडी में जो कार्बोहाइड्रेट्स कलेक्ट करता है जो ऑर्गन इन फॉर्म ऑफ ग्लाइकोजन, वो कौन सा है? इंटेस्टाइन, स्टमक, पैनक्रियास और इट्स लिवर? द आंसर इज इट्स डी, लिवर। कार्बोहाइड्रेट बेसिकली का कार्बोहाइड्रेट्स का क्या फंक्शन होता है हमारी बॉडी में? एनर्जी प्रोवाइड करना। ठीक है, जब हमारी बॉडी को वो एनर्जी की रिक्वायरमेंट नहीं होती है, ठीक है, यानी कि ग्लूकोज की रिक्वायरमेंट नहीं होती है हमारी बॉडी को, तब वो जो एनर्जी है, ठीक है, वो जो कार्बोहाइड्रेट्स हैं वो स्टोर हो जाते हैं किसमें? लिवर में और मसल्स में, इन द फॉर्म ऑफ ग्लाइकोजन। ठीक
ठीक है, तो कौन सा ऑर्गन जो है वो कलेक्ट करता है ग्लाइकोजन को, दैट इज लिवर, जब हमारी बॉडी में कार्बोहाइड्रेट्स की रिक्वायरमेंट नहीं होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज द वर्किंग ऑफ ऑप्टिकल फाइबर केबल इज बेस्ड ऑन द प्रिंसिपल ऑफ, जो ऑप्टिकल फाइबर केबल होती है वो किस प्रिंसिपल के ऊपर बेस्ड होती है? टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन, पोलराइजेशन, डिफ्रैक्शन और इट्स इंटरफेरेंस। सबसे पहले तो ये देखिए कि ऑप्टिकल फाइबर केबल क्या होती है। ऑप्टिकल फाइबर केबल बेसिकली एक इलेक्ट्रिकल वायर्स जैसी होती है। डिफरेंस ये होता है कि वो थोड़ी बंडल फॉर्म में होती है और वो लाइट कैरी करती है। इलेक्ट्रिक वायर्स इलेक्ट्रिक करंट कैरी करेंगे, ऑप्टिकल फाइबर्स जो हैं वो लाइट कैरी करते हैं, ठीक है। और ये किस लिए यूज़ होते हैं कि एक जगह से दूसरी जगह लाइट सिग्नल्स को ट्रांसमिट किया जाए, उसमें जो एनर्जी का लॉस हो रहा है वो बहुत ही कम होता है, यानी कि पूरी प्रॉपर उसमें जो लाइट है वो ट्रांसमिट हो सकती है। तो ये किस प्रिंसिपल पे बेस्ड होता है? दिस इज बेस्ड ऑन ए टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन, ठीक है। इस बेसिकली इसमें होता क्या है, ठीक है, इसमें जो रिफ्लेक्शन होती है वो लाइट की किसी भी मीडियम में, चाहे वो वाटर हो या कोई ग्लास हो, कोई कांच हो, जैसे यहाँ पे कांच के थ्रू हो रही है, यहाँ पे पानी में हो रही है, इसमें जो रिफ्लेक्टेड रे होती है, इंसिडेंट रे जो होती है, सॉरी, वो एक सर्टेन एंगल पे प्लेस की जाती है, सो दैट इसमें जो रिफ्लेक्शन हो रही है वो पूरे मीडियम में प्रॉपरली स्प्रेड हो जाती है, ठीक है। इसमें सबसे इम्पॉर्टेंट है कि जो इंसिडेंट रे है वो एक सर्टेन एंगल पे ही बनाई जाती है, सो दैट कि इसकी जो रिफ्लेक्शन है वो प्रॉपर पूरे सराउंडिंग सरफेस पे लग के हो सके, ठीक है। तो इट इज़ बेस्ड ऑन प्रिंसिपल ऑफ टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन इज एक्सरेज डू नॉट शो द फिनोमिना ऑफ, एक्सरेज जो होते हैं, जो अंदर बॉडी पार्ट्स में कोई अगर फ्रैक्चर हो जाए उसके लिए एक्सरे निकाला जाता है, ठीक है, तो वो किस फिनोमिना पे बेस्ड नहीं होता है? डिफ्रैक्शन, पोलराइजेशन, डिफ्लेक्शन बाय इलेक्ट्रिक फील्ड या इंटरफेरेंस? द आंसर इज इट्स सी, डिफ्लेक्शन बाय इलेक्ट्रिक फील्ड। क्योंकि जो एक्सरेज होती हैं बेसिकली वो क्या होती हैं, वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स होती है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स होती हैं, ठीक है, और ये कोई भी इलेक्ट्रिक फील्ड हो उसमें वो डिफ्लेक्ट नहीं होती है, ठीक है, इसलिए वो डिफ्लेक्शन बाय इलेक्ट्रिक फील्ड का जो फिनोमिना है उसको शो नहीं करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज कि H3O1 एंड H4O2 क्या है, ठीक है, H3O1 H4O2 क्या है? न्यूक्लियर आइसोमर्स हैं, आइसोटोन्स हैं, आइसोडाइफर्स हैं या आइसोबार्स हैं? इसका आंसर पता करने के लिए पहले क्या कर देखते हैं कि दोनों H है, यानी कि दोनों हाइड्रोजन है, सेम एलिमेंट है। ऊपर वाला क्या शो करता है? मास नंबर शो करता है, यानी कि कोई भी एलिमेंट का ऊपर वाला दिस इज मास नंबर एंड नीचे एटॉमिक नंबर। अब ध्यान से इसमें देखें ना, ही इनका मास नंबर सेम है ना ही इनका एटॉमिक नंबर सेम है, लेकिन अगर हम मास नंबर और एटॉमिक नंबर का डिफरेंस निकालें तो वो किसके इक्वल होता है? न्यूट्रॉन्स के इक्वल होता है। अब 3-1 2 एंड 4-2 2, यानी कि दोनों के जो न्यूट्रॉन्स हैं वो सेम हैं, ठीक है। तो ऐसे एटम्स जिनके न्यूट्रॉन्स जो होते हैं वो सेम होते हैं उन्हें क्या बोलते हैं? इट इज कॉल्ड बी आइसोटोन्स। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच प्रिंटर यूजेज अ कॉम्बिनेशन ऑफ लेजर बीम एंड इलेक्ट्रोफोटोग्राफिक टेक्निक्स? कौन सा प्रिंटर है जो लेजर बीम और इलेक्ट्रोफोटोग्राफिक टेक्निक्स दोनों यूज करता है? लेजर प्रिंटर, डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर, लाइन प्रिंटर और इट्स नन ऑफ द अबव। द आंसर इज इट्स ए लेजर प्रिंटर। लेजर प्रिंटर बेसिकली किस प्रोसेस पे वर्क करता है? ये वर्क करता है इलेक्ट्रोस्टैटिक डिजिटल प्रिंटिंग पे, ठीक है, डिजिटल प्रिंटिंग पे वर्क करता है और ये बहुत ही हाई क्वालिटी टेक्स्ट और जो पिक्चर्स हैं उनको प्रिंट करता है, ठीक है। इसमें डिजिटल यानी कि लेजर बीम और हाई टेक्निक्स जो हैं इस प्रिंटर में यूज की जाती है, ठीक है। पहले डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर यूज किए जाते थे जिसमें वो 1 by 1 करके अप एंड डाउन किसी भी एक मोशन में वो प्रिंटिंग करता था, ठीक है। और लाइन प्रिंटर्स बड़े बड़े प्रिंटर्स होते हैं जिसमें एक एक मिनट में अराउंड 150 से लेके 250 लाइंस तक पर मिनट प्रिंट हो सकते हैं, बहुत बड़े बड़े प्रिंटर्स होते हैं, ठीक है। तो लेजर बीम और इलेक्ट्रोफोटोग्राफिक टेक्निक जो है वो लेजर प्रिंटर यूज करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज
द इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिग्रेशन ऑफ एन एटम इज 1s² 2s² एंड 2p5. द नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स इन दिस एटम आर. ये किसी भी एक एटम की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिग्रेशन गिवन है. इसमें बताना है कि अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स कितने हैं इसमें, 1, 0, 3 या 5. अब इसका पता करने के लिए सबसे पहले हमें इसमें से इसके नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स निकालने पड़ेंगे. अब नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स जो होते हैं वो ये होते हैं, इसको नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स को यहाँ पे रिप्रेजेंट किया जाता है, और ये होते हैं सब शेल्स. तो इसमें नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कितने हो जाएंगे, 2 + 2 + 5 = 9. अब इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिग्रेशन 2n² के फॉर्मूले से क्या बनती है, 2.8 बननी चाहिए, लेकिन इसमें 9 इलेक्ट्रॉन्स है तो क्या बनेगी, 2.7. यानी कि इसको ऑक्टेट स्टेट में आने के लिए एक इलेक्ट्रॉन की और ज़रूरत है, यानी कि इसमें अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स कितने हैं, a1. नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच प्रॉपर्टी ऑफ वाटर मेक्स इट अ गुड सॉल्वेंट. वाटर की ऐसी कौन सी प्रॉपर्टी है जिसकी वजह से वो एक गुड सॉल्वेंट जो है वो माना जाता है, कि इसमें ज़्यादा से ज़्यादा जो सल्यूट हैं वो डिजोल्व हो जाते हैं. इसका बॉइलिंग पॉइंट बहुत हाई है, हाई डिपोल मोमेंट है, हाई स्पेसिफिक हीट है, या हाई स्पेसिफिक ग्रेविटी है. द आंसर इज इट्स हाई डिपोल मोमेंट, यानी कि इसमें जो मूवमेंट्स के जो मॉलिक्यूल्स की जो मूवमेंट होती है बहुत ज़्यादा होती है, और इसमें ज़्यादा से ज़्यादा सल्यूट जो हैं वो डिजोल्व हो जाते हैं. नेक्स्ट क्वेश्चन इज कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स. रेडॉन इज द हेवीएस्ट गैस, एस्टेस्टाइन इज द रेयरेस्ट एलिमेंट ऑन द अर्थ, ग्रेफाइट इज एन एलोट्रॉप ऑफ कार्बन. अब ये बताना है कि इनमें से कौन सी स्टेटमेंट्स जो हैं वो करेक्ट हैं, 1 या 2, 1 एंड 3, ओनली 3 या ऑल ऑफ देम, यानी कि तीनों स्टेटमेंट जो हैं वो करेक्ट हैं. इस क्वेश्चन को आंसर करने के लिए इजिएस्ट मेथड है कि पहले हम चेक कर लेते हैं कि कौन से स्टेटमेंट्स करेक्ट है. रेडन इज द हेवीएस्ट गैस, यस. एस्टेस्टाइन इज द रेयरेस्ट एलिमेंट ऑन द अर्थ, यस. ग्रेफाइट कार्बन का एलोट्रॉप है, यस. यानी कि तीनों स्टेटमेंट्स ठीक है. तो इसका आंसर क्या आएगा, इट्स डी, ऑल ऑफ देम. इन तीनों स्टेटमेंट्स में से तीनों स्टेटमेंट्स ही करेक्ट हैं. तो आज की क्लास हमारी यहीं तक थी. आज हमने PCS 2015 में जो जनरल साइंस के क्वेश्चंस थे उनको डिस्कस किया है. कोई भी डाउट है, कोई भी क्वेरी है, तो प्लीज़ उसे कमेंट बॉक्स में ज़रूर शेयर कीजिए, एंड डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब आवर चैनल.